1942 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने INA का टुक ओवर किया था तो देश की आज़ादी की बुक में एक और चैप्टर शामिल हुआ और वो था करेज का। और यही INA आगे जाके नींव बनी आज की इंडियन आर्म फोर्सेस की, जो कि वर्ल्ड में एक अपना अलग ही नाम रखती है। चलिए ऐसे ही कुछ अनोखी बातें सुनते हैं अबाउट बंगाली कम्युनिटी मेरे कुछ मेट्स से, और वो आप लोगों को बताएंगे कुछ और डिफरेंट फैक्ट्स। रेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ सिर्फ क्रिकेट पर क्रेज है, वहीं बंगालीज में फुटबॉल को लेके सेम लेवल का क्रेज है। मैनचेस्टर यूनाइटेड FC और FC बार्सिलोना का क्रेज जितने पूरे वर्ल्ड में है, बंगालीज में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का हाइप उतना ही है। इसलिए बंगाल ने कितने सारे फुटबॉल प्लेयर को दिए है, कृष्णेंदु दे के तो इंडियन माराडोना भी बोला जाता है, अपार्ट फ्रॉम हिम चुमी गोस्वामी, PK बनर्जी, शैलेन मन्ना, अमल दत्ता, सुभाष भौमिक, सुब्रत भट्टाचार्य और घोष टोपाल, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। বেঙ্গলি সিঙ্গার্স মে যাহা অন্তরা চৌধুরী, লোপামুদ্রা মিত্র, অভিজিৎ, বাবুল সুপ্রিয়, বাপ্পি লাহিড়ী জেসে মেলোডিক সিঙ্গার্স হে, ওহি বেঙ্গলি সংস কে মিউজিক কো বলিউড মে রিপ্রিন্ট ভি কিয়া জাতা হে। জেসে ও মাই লাভ অমানুষ কে সং কে মিউজিক কো রাজশ্রী মুভি মে ইউজ কিয়া গায়া হে। বাতাসে গুনগুন চিরদিনই তুমি যে আমার কো সিরিন ফারত কি তো নিকল পারি। और हम सर्कल मूवी के कॉलर ट्यून सॉन्ग को सुनिए तो जानिए तो खोखा बाबू मूवी से रिप्रिंट किया गया है। और बंगाली सॉन्ग अपराधी तो पता नहीं कितने लैंग्वेज में रिप्रिंट हुआ है। और अगर बात करें एक्टिंग की तो वर्सेटाइलिटी एंड बोल्डनेस के मामले में तो बंगाली एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के मुकाबले में कोई नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम देशु सेनगुप्त, प्रभाकर चटर्जी, पावली जैन, बिपाशा बासु, रानी मुखर्जी, काजल मुखर्जी, कोंकणा सेन। वर्ल्ड में जहाँ जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स फेमस है, वहीं बंगालीज में फेलुदा या प्रदोष चंद्र मित्र ब्रिटेन भाई सत्यजीत रे, राजा राय चौधरी एस काका बाबू ब्रिटेन भाई सुनील गंगोपाध्याय, ब्योमकेश बख्शी भाई शरदिंदु बंदोपाध्याय सिर्फ बुक नहीं इमोशन है। जिस किसी को भी लगता है कि बंगाली सिर्फ भोजन और आराम के शौकीन होते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि सचिन नाग वॉज द फर्स्ट एथलीट हु विन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द एशियन गेम्स, परेश लाल रॉय हु नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, मनोहर एंज जो कि एक बॉडी बिल्डर थे हु वॉज द फर्स्ट हु विन द टाइटल ऑफ मिस्टर यूनिवर्स, सौम्यजीत घोष यंगेस्ट इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स 2012 क्वालिफाई किया था एज द यंगेस्ट नेशनल चैंपियन, जितेंद्र चरण गुहो इंडिया के फर्स्ट रेसलर टू विन द वर्ल्ड हेवी वेट चैंपियनशिप इन 1921। और अगर ऐसे ही बात करें कुछ बंगाली साइंटिस्ट की तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को आज कौन नहीं जानता। ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने देश की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल्स का एस्टेब्लिशमेंट किया था और साथ ही साथ इन्वेंट किया था मर्क्यूरस नाइट्राइड को जो कि केमिस्ट्री में एक स्टेबल कंपाउंड। और उसी लाइन में सर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी जिन्होंने यूरिया स्टीबियमाइट का इन्वेंशन किया था। और यूरिया स्टीबियमाइट तब के जमाने के काला जहर जो कि बहुत फैटल डिजीज था उसको क्योर करने में काम आ रहा था। आपको पता है उस टाइम पे काला जहर फैटलिटी 90% था, लेकिन ब्रह्मचारी जी के यूरिया स्टीबियमाइट के इन्वेंशन के बाद फैटलिटी रेट 10% पे गिर गया, यानी कि टोटल चेंज ऑफ 80%, जो कि बहुत बड़ा एक इन्वेंशन माना जाता है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इस यूरिया स्टीबियमाइट का उन्होंने कभी पेटेंट नहीं करवाया। वो कहते थे कि ये लोगों की भलाई के लिए है, इसे पेटेंट करा के लाखों का कमाई नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही एक गुमनाम साइंटिस्ट है सुभाष मुखोपाध्याय। आप लोगों को तो शायद पता होगा कि IVF बेबी क्या होता है, और हम लोग में से बहुत कोई ये भी जानते हैं कि सबसे फर्स्ट IVF बेबी UK में हुआ था। बट आप लोगों को मालूम है कि इंडिया का फर्स्ट IVF बेबी UK के IVF बेबी से कितने डिफरेंस में आया था, सिर्फ 67 डेज में। और ये सुभाष मुखोपाध्याय जिन्होंने फर्स्ट इंडियन IVF बेबी कानुप्रिया अग्रवाल का स्ट्रक्चरिंग किया था। आज ये इतिहास में शायद गुमनाम है, लेकिन इनका वर्क आज इतिहास में बहुत बड़ा नाम है।
शायद इसी वजह से एस एन बोस ने एक बार कहा था कि जरा बोलें बांग्लाय विज्ञान चर्चा संभव नय तारा हय बांग्ला जानें ना अथवा विज्ञान बोझें ना। विच मीन्स कि अगर किसी को लगता है कि वेस्ट बंगाल में साइंस को लेके कोई काम नहीं हो सकता तो या तो वो बंगाली लैंग्वेज एंड बंगाली कल्चर का नहीं जानते या फिर वो लोग साइंस नहीं समझते।